ब्रेस्ट कैंसर के साइंस और सिम्टम्स या ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हमें ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा कीर्ति है और मैं एक ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण कैसे दिखते हैं। मोस्ट कॉमनली मतलब ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर प्रेजेंट करता है एक पेनलेस लंप के साथ, मतलब ब्रेस्ट में गिठान के जैसा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम तक दर्द नहीं होता है। दूसरा होता है कि ब्रेस्ट के स्किन मतलब ब्रेस्ट की त्वचा पे कुछ स्वेलिंग या अंदर की तरफ खिंचाव, या फिर ब्रेस्ट की त्वचा पर लालपना या उस पर ऐसे घाव बन जाना जो अपने आप सूखता नहीं है, या फिर आप अपने नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास गए हैं, उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक दिया, कुछ मलहम लगाने को दिया और उससे वो ठीक नहीं हुआ, ऐसी घाव आपको सर्जन को दिखानी चाहिए। और चीजें होती है जैसे निप्पल में बदलाव, निप्पल अंदर की तरफ खिंच जाना या निप्पल के डायरेक्शन में चेंज होना, या फिर निप्पल से कुछ स्त्राव आना, चाहे रक्त या क्लियर पानी का भी डिस्चार्ज हो, तो वो एक ब्रेस्ट कैंसर का लक्षण हो सकता है। कभी कभी ब्रेस्ट कैंसर अलग तरीके से प्रेजेंट करता है जिसमें ब्रेस्ट में कुछ भी लक्षण नहीं आ सकते हैं, और कभी कभी महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की गांठ आर्मपिट या बगल में भी लेकर आते हैं, तो बगल में अगर कुछ सूजन या गांठ या लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो या गले में कोई लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो तो ब्रेस्ट कैंसर वैसे भी प्रेजेंट कर सकता है। कभी कभी आप देखेंगे कि पूरे ब्रेस्ट में एक स्पेसिफिक गांठ जैसे नहीं मिली, लेकिन पूरे ब्रेस्ट का साइज या शेप बदल गया है अचानक से। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आपके ब्रेस्ट में कोई भी नया चेंज आया है जो कि आपके एक पीरियड साइकिल के बाद भी वो गया नहीं, कभी कभी पीरियड के जस्ट पहले ब्रेस्ट में सूजन या दर्द या वाटर रिटेंशन के कारण डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन पीरियड्स खत्म होने के बाद भी अगर आपको कुछ गांठ जैसी या स्वेलिंग जैसी लग रही है तो आपको उसे एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए।